स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। उम्मीद है विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों आप और आपका परिवार रोजाना की तरह ठीक होगा। तो आज की वीडियो में हमें एन प्लस एल रूल को पढ़ना है। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको अपव के नियम को बताया था, तो एक बार उसको फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा कि वो क्या होता है। तो जैसे कि इससे पहले वीडियो में हमने अपव रूल्स को पढ़ा था, तो आप देखिए जरा स्क्रीन पर, ये हमारे पास एक ऊर्जा आरेख है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो एनर्जी होती है वो 1s में प्रवेश करती है और इसके अकॉर्डिंग ऐसे एनर्जी लेवल जो होता है वो हमें प्राप्त होता है इस तरीके से। और आज की वीडियो में हमें क्या करना है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये हम आपको इससे पहले वीडियो में आप और उसको समझा चुके हैं, ठीक है। यानी कि आने वाली जो एनर्जी होगी वो सबसे पहले 1s में प्रवेश करेगी। 1s का मतलब है s में 2 आता है इलेक्ट्रॉन, है ना। s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, और p में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं और d में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं और f में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो ये था हमारा अबव रूल्स का ऊर्जा क्रम। अब इसके बाद देखते हैं n प्लस रूल्स क्या कहता है। क्योंकि आप देख रहे हो n का मतलब है यहाँ पर जो मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है ना, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या। और जो आप l देख रहे हो स्मॉल l, ये क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको आप दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हो। इसका नियम क्या कहता है, इसका नियम ये कहता है कि सबसे पहले ऊर्जा जो है उस उपकोष या उपकक्ष में प्रवेश करेगी जहाँ पर क्या होगा, n प्लस l का मान सबसे कम होगा। इसकी पहले आप डेफिनेशन को नोट कर लीजिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए जरा। तो आने वाला नया इलेक्ट्रॉन उस सबसेल या उस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है जहाँ पर n प्लस l की वैल्यू मिनिमम होती है, यानी कि जहाँ पर n और l का मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। ये है हमारा n प्लस l रूल्स, बहुत ही सिंपल है और बहुत आप इसको आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। सबसेल क्या होते हैं और ऑर्बिटल क्या होते हैं, इनको आप बहुत ध्यान से यहाँ पर देखिए। मान लीजिए हमारे पास 4s और हमारे पास 3d है, ठीक है। हमें इसमें बताना है कि सबसे पहले एनर्जी लेवल होगा वो किस में होगा, यानी कि आने वाला नया इलेक्ट्रॉन किस उपकोष या ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, देखिए जरा। चूंकि आप देख रहे हो जो 4 है ये क्या है, ये मेन क्वांटम नंबर है यहाँ पर, यानी कि ये एल की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी। क्योंकि एस के लिए हमने क्या बताया था आपको, यहाँ देखिए एस इजकल टू होता है 0, पी इजकल टू होता है 1 और डी इजकल टू होता है क्या, 2 और एफ इजकल टू होता है 3। तो अगर एस आ रहा हो तो एल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एल की वैल्यू 0 होगी, यानी कि एल की वैल्यू यहाँ पर 0 शो हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है ये, यानी कि आप देख लीजिए जरा यहाँ पर ये जो 4 है ये तो होता है हमारा मेन क्वांटम नंबर। इसके बाद जो हमारा एस है ना, एस के लिए हम क्या यूज करते हैं, 0 यूज करते हैं। तो यह एलमुथीन नंबर यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या, ये तो 0 इसकी वैल्यू आ जाएगी, एल की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्योंकि हमारा रूल्स क्या कहता है कि एन प्लस एल दोनों को यहाँ पर हमें ऐड करना होता है। तो एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 है और प्लस 0, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 3d को देखिए, ये 3 क्या है, ये हमारे पास मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि एल की वैल्यू, एल की वैल्यू कितनी है, ये 3 है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो एल की वैल्यू होती है ये सभी होती है। अब 3 के पास हमारा कौन सा आया हुआ है, उपकक्ष डी, तो डी के लिए हमें कितना यूज करना है, 2, तो एल की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2। अब हमारा जो एन प्लस रूल्स है उसके अकॉर्डिंग इसको ऐड कर लीजिए, एन की वैल्यू 3 है और प्लस ये क्या है हमारे पास, 2, तो दोनों को ऐड कर देंगे 5 आ जाएगा। अब आप देखिए जरा इसको कि हमारे पास 4s के लिए कितना आया है, n प्लस l का मान 4 और 3d के लिए n प्लस l का मान 5 है। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से देख रहे होंगे कि 4s के लिए n प्लस l का जो मान है ना वो क्या है, कम है, किससे कम है, 5 से कम है। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही इसमें न्यू इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो किसमें प्रवेश करेगा, वो 4s में प्रवेश करेगा। ये बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा कि जब कोई नया इलेक्ट्रॉन किसी उपकक्ष या ऑर्बिटल में एंट्री करता है ना,
तो किसमें करता है, जहां पर n प्लस l की वैल्यू मिनिमम होती है। तो ये हमारा 4 क्या है, 5 के अकॉर्डिंग कितना है, कम है, तो ये 4 है। तो यानी कि जैसे ही कोई नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो पहले 4s में प्रवेश करेगा, ठीक है। बाकी जो आपबाऊ रूल्स है, आपबाऊ प्रिंसिपल है, वो हमने कल से पहले वीडियो में देख लिया था, आप इसको एक बार वहां से भी देख सकते हो, और आपने इसको एक बार बना के भी देख लिया होगा। अब इसमें यहां जो कॉमन बातें हैं वो देखते हैं, कॉमन बातें क्या है। अब आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए हमारा एन प्लस एल का वैल्यू जो है सेम हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा। उस कंडीशन में मैं आपको यहां पर बताता हूं, इस बात को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अभी हमारे पास इसके लिए एग्जांपल नंबर 2, ये देखिए जरा, अगर हमारे पास 4s सबसेल है और 2 सबसेल है तो इसमें क्या होगा, ये क्या है हमारे पास 4, n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू कितनी हो जाएगी s के लिए। अभी मैंने आपको यहां पर सिखाया है कि s के लिए l की वैल्यू 0 होती है क्या, तो यहां पर हो जाएगा आपका 0, ठीक है ना, वेरी सिंपल। इसके बाद आप क्या करेंगे, n प्लस l रूल को फॉलो करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 4 और प्लस l की वैल्यू हो जाएगी 0, तो कितना आ जाएगा यहां पर 4 आ जाएगा, क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं 2d उपकोष के लिए, 2d उपकोष के लिए इसमें हो जाएगा हमारा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, d के लिए l की वैल्यू होती है क्या 2। इसको आपको रखना नहीं है, केवल बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो d की वैल्यू कितनी है हमारी यहां पर 2, किसके लिए है l के लिए, तो यहां पर आ जाएगा 2। अब हमारा जो n प्लस l रूल है वो क्या कहता है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये है वो समझने वाली बात कि हमारे पास यहां इस एग्जांपल में n प्लस l की वैल्यू दोनों सेम है, तो इसमें आप क्या करोगे वो सुनिए। इसमें आप वो करोगे, उसका चुनाव करेंगे जिसमें n की वैल्यू कम होगी, ठीक है ना। यानी कि इस कंडीशन में हम अपना ये रूल्स अपनाएंगे कि जहां पर हमारा मेन क्वांटम नंबर है ना, यानी कि मेन क्वांटम नंबर है ये वाला, यानी कि जहां l की वैल्यू कम है, ठीक है, तो हम उसको प्राथमिकता देंगे, क्लियर है। अगर हमारा यहां पर l की वैल्यू 4 आ रहा है तो हम इसको प्राथमिकता नहीं देंगे, हम कम वाले को प्राथमिकता देंगे। यानी कि जैसे ही एनर्जी लेवल इसका बनेगा तो सबसे पहले न्यू इलेक्ट्रॉन कहां पर एंट्री करेगा, 2d में एंट्री करेगा। तो ये आपको बात याद रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी आते हैं, जब आप 12th के बाद किसी कंपटीशन के एग्जाम में बैठोगे ना, तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कि इसमें क्या होगा, जहां पर n की वैल्यू कम होती है उसी में ही न्यू इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है। उम्मीद है दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, एन प्लस रूल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पाउली एंड फूल्स के रूल्स पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।